कोई भी आपके पास ईयरबड्स हैं या कुछ भी हैं, वो अगर आप अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो, कनेक्ट शो कर रहा होता है और साउंड नहीं आ रही होती, ऐसे स्टेप्स मैं आपको आज बताऊंगा जिससे आपको दोबारा ऐसी प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मतलब कि हम अपना ब्लूटूथ हेडसेट ऑन करते हैं, जैसे ही ऑन हो गया, ये ऑटोमेटिकली अगर आपके कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ पेयर होगा तो ये ऑलरेडी ऑन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है कि अभी तक ये ऑन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हो रहा है जो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो साउंड है अभी मैं प्ले करके बताता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये मेरे एक्सटर्नल स्पीकर से साउंड आ रही है, हालांकि ये यहाँ से आनी चाहिए थी हेडफोन से। तो मैं देखता हूँ क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले हम सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में यहाँ से भी जा सकते हैं, अगर आपका ब्लूटूथ का आइकन जो अगर नीचे टास्क बार पे हो तो वहाँ से भी जा सकते हैं। तो सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिवाइसेस के अंदर जाएंगे। डिवाइसेस में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको देखने यहाँ पे कनेक्ट है तो इसको डिस्कनेक्ट कर दें। डिस्कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे रिमूव डिवाइस को क्लिक कर दें, यस कर दें। तो आप देख सकते हैं मैंने जो रिमूव कर दिया। अब आपको सिंपल से यहाँ पे हर बार जब आपको ऑन करते हैं कुछ सेटिंग्स करने पड़ेंगे या पंगे करने से अच्छा आप सिंपल से यहाँ सेटिंग्स में आए और इसको रिमूव करें और दोबारा से एक बार ऐड ब्लूटूथ पे जाएं और यहाँ पे जाके इसको आप पेयर कर लें एक बार फिर से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये था पहला ट्रिक। आपको सिंपल कुछ नहीं करना, जब भी आपको कनेक्टिविटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए आपको रिमूव करना है डिवाइस को और दोबारा से ऐड ब्लूटूथ पे जाके इसको दोबारा से कनेक्ट कर देना है। ज़्यादातर ये इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब भी साउंड नहीं आ रही होगी आपको यही करना है, या कनेक्ट नहीं हो पा रहा आपको सिर्फ इसको अनपेयर करना है एक बार अपने सिस्टम से और दोबारा से ऐड कर देना है। तो फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं कि अगर रिमूव डिवाइस करने में आपको यहाँ से दिक्कत आ रही है डिस्कनेक्ट करने के बाद, यहाँ से रिमूव नहीं हो पा रही, आप सेटिंग्स में, आप माय कंप्यूटर में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और डिवाइस मैनेजर में आपको जाना है और यहाँ पे ब्लूटूथ को क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं रेडमी ईयरबड जो ऐसा है इसको यहाँ पर जाके अनइंस्टॉल डिवाइस कर देना है। तो वैसे भी आप कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर ऐसा करने से भी अगर साउंड नहीं आती है आपके एयरफोन में तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लूटूथ के जो ड्राइवर्स होते हैं आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे अपने राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर्स कर लेने हैं। तो आपको ये ड्राइवर अपडेट करने पड़ेंगे, यहाँ से इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए अपने सिस्टम के साथ। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगर फिर भी ड्राइवर्स अपडेट करने के बाद या रिमूव करने के बाद भी कनेक्टिविटी आपकी नहीं बन पा रही है तो फ्रेंड्स मैं एक और बात बता दूं, आपको विंडो आर प्रेस करना है, services.msc और ओके कर देना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लूटूथ की जो ये ऑप्शन दिखाई दे रही है, ब्लूटूथ ऑडियो गेटवे सपोर्ट, ब्लूटूथ यूजर, तो यहाँ पे आप जितनी भी आपको ब्लूटूथ की ऑप्शंस दिखाई देंगी आप उन सबको एक बार रीस्टार्ट कर देंगे, ठीक है, रीस्टार्ट। तो मेरे को तो ज़रूरत नहीं करने की, आपको यहाँ पे ये ब्लूटूथ की जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे शो हो रही हैं सर्विसेज के अंदर, आपको इनको एक बार रीस्टार्ट कर देना है, इससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब इसके बाद चलते हैं अगले स्टेप पे। अगर इसमें भी कनेक्टिविटी में इशू आ रहा है कोई, तो आपको एक बार अपना जो एयरफोन है, जो ब्लूटूथ के आपके एयरफोन्स हैं या कोई भी आपका जो ब्लूटूथ का हेडफोन है उसको आपको एक बार रीसेट करना पड़ता है। मैं MI का यूज़ करता हूँ, मेरे को तो पता है इसको कैसे करना है। मैक्सिमम जो आपके ईयरबड्स या वो होते हैं उनको रीसेट करने के लिए इसको प्रेस करना पड़ता है, कोई दो मिनट के लिए इसको प्रेस करना पड़ता है, इसको दबा के रखना है। आप इसको देखेंगे, एक बार इसको दबा के रखेंगे जब आप, तो इसको दबाने के बाद यहाँ पे एक रेड लाइट आ जाएगी और ये बंद हो जाएंगे। बंद होने के बाद भी इसको दबा के ही रखना है, थोड़ी देर और दबाने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा बीप सुनाई देता है, तो वो उसके बाद ये हार्ड रीसेट हो जाता है। उसके बाद आप दोबारा से वो डिवाइस को रिमूव कर लें अपने कंप्यूटर से इस डिवाइस को और दोबारा से एक फ्रेश पेयरिंग करके, तो फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ आज की वीडियो। अगर इन स्टेप्स के बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जितना हो सके आपकी हेल्प कर दूंगा।